तो वहीं अब खबर ऊना से, जहां ऊना के केएमसी पार्क के बाहर विद्यार्थियों की मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए प्रतिदिन आला नेता पहुंच रहे हैं। और ऐसे में हिमाचल युवा प्रभारी एवं राष्ट्रीय युवा सचिव दमन बाजवा विद्यार्थियों की हड़ताल में पहुंचे हैं और कुछ समय तक विद्यार्थियों से उनकी मांगों को लेकर विस्तार से बातचीत की गई। दमन बाजवा ने कहा कि इतने दिन से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के युवा भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी इनके सुध लेने अभी तक नहीं आया है। अगर सरकार ने जल्द एनएसयूआई की मांगों को नहीं माना तो संघर्ष को और तेज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी कहा कि विश्वविद्यालय और सड़कों पर प्रदर्शन करने के साथ साथ सीएम के आवास का घेराव भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई द्वारा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने और एग्जाम्स को ऑनलाइन करवाने को लेकर के भूख हड़ताल शुरू की गई है।